हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी टैमरिंड राइस यानी कि येलो राइस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 2 बड़े कप राइस लिए हैं। आप लेफ्ट ओवर राइस से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप बड़े बॉल राइस लिया है, 1 नींबू के जितना टैमरिंड पल्प लिया टैमरिंड लिया है, उसमें उसे मैंने भिगो के रखा है, 1/2 कप ऑयल, और मसालों के लिए मैंने थोड़े काजू लिए हैं, थोड़े से उड़द दाल, थोड़े से चना दाल, राया, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले फ्लेम को ऑन कर लेंगे, उस पर एक बाउल रख लेंगे, उसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड करते हैं, 1/2 कप ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद हम चना दाल और उड़द दाल को उसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा फ्राई करना है। अब हम इसमें राय को ऐड करेंगे। काजू को भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से फ्राई करना है, तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए जब तक हम इसे फ्राई करना है। थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आना है इसे। अब हम लाल मिर्च को तोड़ के इसमें डाल देंगे। कड़ी पत्ती को भी डाल देंगे। देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और हमने जो टैमरिंड पल्प लेकर के उसे स्ट्रेनर से इसमें छान के इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिलाकर इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक इसका ऑयल बाहर आके ये गाढ़ा ना हो जाए जब तक हमें उसे पकाना है। हम इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट भी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका सारा तेल ऊपर आ रहा है, ये अच्छे से पक गया है, गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें राइस को ऐड करेंगे। अब राइस को इस मसाले में अच्छे से मिला लेना है पूरी तरह से। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। हमारा येलो राइस रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी रहेगा और ये 2 दिन तक ऐसा ही स्टोर करके रख सकते हैं हम। आप अगर जर्नी पर जाए तब भी इसे ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा टैमरिंड राइस येलो राइस रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।